यूनाइटेड स्टेट्स जाने का सपना बहुत लोगों का होता है, और उसी से रिलेटेड एक न्यूज है कि फ्रांस में एक प्लेन को रोक लिया गया जिसमें 303 लोग थे, और उस प्लेन को 4 दिन तक रोका गया, और अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट के काफी सारे कोशिशों के बाद अभी हम 276 लोगों को इंडिया में ले आए हैं। वेल, ये हमारे लिए बहुत हैप्पीनेस की बात है, लेकिन 25 लोगों ने अभी भी वहां पे बोला है कि हम फ्रांस में ही एसाइलम लेना चाहते हैं, हम इंडिया नहीं जाना चाहते, तो 25 लोगों को वहां पे रोक लिया गया। इसलिए 303 लोगों में से मात्र 276 लोग इंडिया है, लेकिन इंडिया आने के बाद उनसे हमारे सीआरपीएफ की टीम ने पूछताछ की और जाननी चाहिए कि क्या एक्चुअली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा था। तो ये सारी चीजें शुरू कहां से होती है उसे हम थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं। देखिए, केस से शुरू हुआ था 4 दिन पहले, जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से एक प्लेन उड़कर के डायरेक्टली निकारागुआ के लिए जा रही थी, जो कि सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, और उन्हें रिफ्यूलिंग के लिए उतरना था पेरिस की एक पास की सिटी में। जब वो उतरे वहां पे तो फ्रांस को एक टिप मिली कि एक्चुअली इस प्लेन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, इलीगली लोगों को ले जाया जा रहा है जिससे वो यूनाइटेड स्टेट्स जा सकते हैं। तो फ्रांस ने वहां पे एक्शन लिया और लोगों से पूछताछ करने लगे, तो प्लेन से उन्होंने सबको उतार लिया। लेकिन क्या ये लीगल था? नहीं, एक्चुअली ये पहला तो लीगल नहीं है, और दूसरा, फ्रांस जो रोक सकते हैं लोगों को वो 4 दिन होता है उनके लॉ के हिसाब से। तो इस लॉ को उन्होंने बैठाते हुए उन फॉरेनर्स को, एज ए इंडियन भी वहां पे गया तो फॉरेनर हुआ, तो उनको रोक लिया गया, और रोकने के बाद उनसे पूछताछ की गई, इवन 2 लोगों को डिटेन भी किया गया। लेकिन इस इशू में ना इंटरेस्टिंग चैप्टर ये हो जाता है कि 26 जनवरी, जो हमारा रिपब्लिक डे है, भारत में इंडिया में आ रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन, और इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है, आप सबको पता है, फ्रांस के, और वो जब यहाँ पे आ रहे हैं तो दैट मीन्स हमारे रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी पता है बहुत ही अच्छे हैं। और इस टाइम पे एक्चुअली ऐसा क्यों किया गया है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नोटवर्दी थी चीज है जिसे हम जियोपॉलिटिकल इशू से जानेंगे, बिकॉज बाइडेन ने मना कर दिया था कि वो इंडिया नहीं आ रहे हैं, और ये इशू क्या क्रिएट करवाया गया था, फिलहाल इसके ऊपर तो जांच चल रही है, अगर कोई अपडेट आता है तो मैं ले आऊंगा। इसके बाद जो आप देखोगे ना, तो ये प्लेन जब वहां पे रुका तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू लगा, तो फ्रांस के लॉ के हिसाब से 4 दिन रोका जा सकता था, अगर जज उसे अथॉरिटी देता है तो वो 8 दिन तक रोक सकते थे लोगों को। लेकिन फ्रांस के गवर्नमेंट से जब इंडियन गवर्नमेंट ने बात की, तो डायरेक्टली बात होने पर उन्होंने बोला, आप अपने लोगों को यहां से ले जा सकते हो, हम नहीं रोकेंगे, बिकॉज हमारे कंट्री के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हैं। और इवेंचुअली इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन एम्बेसी जो कि फ्रांस में, उन्होंने थैंक्स भी बोला है फ्रांस की गवर्नमेंट को। लेकिन ये सारी चीजें जब चल रही है ना, तो इसके साथ आपको देखना होगा दिंगचुआ का एक केस, जो कि गुजरात में हुआ था, और आपने डंकी मूवी को देखा था, तो डंकी मूवी का ही सीन यहाँ पे क्रिएट हो गया टोटली, बिकॉज ये मूवी एक दिन पहले ही आई है, और इंटरनेशनल मीडिया में अभी इसके लिए बहुत ज्यादा जानकारी भी फैल रही है, बिकॉज इंडियन फैमिली के साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ, जो कि दिंगचुआ केस से भी नाम से जाना जाता है। ये लोग कनाडा के थ्रू जा रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहां पे -35 डिग्री सेल्सियस होने के कारण वहां पे पूरी की पूरी फैमिली अब नहीं रही, उनमें 2 बच्चे भी थे, एक 11 साल की और दूसरी 3 साल की, और उसके साथ वो दोनों कपल भी नहीं रहे। तो ये केस उसके वजह से ऑलरेडी हाईलाइटेड था, इसलिए अभी इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर के कहीं भी कुछ उसी होता है तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत ही टफ एक्शन रखा हुआ है कि किंगपिंग्स या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा कुछ काम कराती है तो वो ना कर पाए और लोगों की जान बचाई जा सके। तो अल्टीमेटली ये रीजन था कि आपको ये सारा सिचुएशन इस तरह से देखने के लिए मिला, और यही डंकी प्रोसेस भी है कि आप एक डंकी बन करके, दैट मीन्स जंप करके दूसरे के टेरिटरी में जाते हो, और वहां पे जाकर के दूसरी कंट्री में रहने के लिए आप इलीगली ट्राई करते हो। और अगर आप इंडिया से ही देखो ना, तो 96,717 लोगों ने इलीगली ट्राई किया ताकि वो यूनाइटेड स्टेट्स जा सके, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये डाटा 2023 का है, और पिछले साल के हिसाब से देखो तो 56% ज्यादा लोग इंडिया से जा रहे हैं। तो आपके मन में कारण आ रहा होगा कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, पहला तो जॉब है, दूसरा है एक बेटर लाइफस्टाइल, और जब भी हम यूरोप को देखते हैं ना, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं, और यही डंकी मूवी में भी दिखाया गया है कि कैसे लोग दूसरे कंट्री में जाने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए और साथ में पैसे कमाने के लिए भी इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं जिसके वजह से उनकी जान भी चली जाती है। अब इन सारी चीजों को जानने के साथ ना, हमें एक चीज और जानना चाहिए, इंडिया एंड फ्रांस का रिलेशन। जब भी हम इंडिया एंड फ्रांस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 2 आयरन ब्रदर्स की स्टोरी दिखेगी, और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जिसने इंडिया को 1947 से लेकर के अभी तक एज अ नेचुरल एलाय साथ देने की कोशिश की है, और उसका रिजल्ट हमें अभी दिख भी रहा है। तो इस स्टोरी को शुरू करते हैं 1947 में, जब फ्रांस ने एक डिसीजन लिया कि वो साथ नहीं देंगे, ना ही यूनाइटेड स्टेट्स का और ना ही यूएसएसआर का, डेट मीन्स रशिया का। तो इस फैसले को लेते ही ना, उनके पास एक कंट्री आई ऑप्शन में जो कि नैम को प्रमोट कर रही थी और इंडिपेंडेंट रहना चाह रही थी, वो है इंडिया। और फ्रांस ने इंडिया को देखा एक पोटेंशियल पार्टनर जो कि फ्यूचर में जाकर के उनका बहुत ही ज्यादा साथ दे सकता था। यही कारण था कि 1948 में जब होमी भाभा ने सबसे पहली कंट्री देखी अपने न्यूक्लियर आउटरीच प्रोग्राम के लिए, ताकि वो इंडिया में एनर्जी के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ा सके, तो उन्होंने फ्रांस को देखा। और उसके बाद हमें 1960 में मिलता है कल्पक्कम में हैवी वाटर रिएक्टर, और उसके साथ ही 1953 में फ्रांस ने हमें दिया तूफानी फाइटर जेट्स, जिससे
100 के आसपास आए थे इंडिया में, और उसके बाद इंडिया की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और उस टाइम अगर आप चाइना की बात करो तो मैं आपको बता दूं, चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको इंडिया आने के लिए उनके पास प्लेन नहीं था, तो नेहरू जी ने प्लेन भेजा था। तो इंडिया की कैपेसिटी उस टाइम से ही है। उसके बाद अभी आप देखते हो कि उन्होंने हमें रफेल भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना उससे बाद अगर आप जाओ तो 1970 के आसपास आप सबको पता है यूएस का प्रेशर होने के कारण फ्रांस उतना खुल के हमारा साथ नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में और उसके बाद 1998 में भी, तो फ्रांस ने हमारा साथ दिया था। और उसके बाद जब हमने जम्मू एंड कश्मीर के इशू को सॉल्व किया, आर्टिकल 370 को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया, तो फ्रांस पहली कंट्री थी जो निकल के सामने आई और उन्होंने बोला कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इस सब के साथ आप सबको पता है फ्रांस P5 मेंबर, दैट मींस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, जिसमें रशिया के साथ हमारे पास ये एक बहुत ही बड़ा आर्सेनल होता है, आप ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो, जिसे हम टाइम पे यूज करते हैं अपने आप को सेव करने के लिए, ताकि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स जो कि कई मामलों में हमारे अगेंस्ट भी जाती है, हम खुद को बचा सके वहां पे। और यही किया चाइना ने, क्लोज डोर मीटिंग रखी, तब फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथ रशिया ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, इवन यूके ने भी बोला, जिसके वजह से कुछ भी इशू क्रिएट नहीं किया सका हमारे प्यारे देश भारत के अगेंस्ट। इसके साथ अगर आप फ्रांस को अभी देखो तो फ्रांस में आप सबको पता है कुछ दिन पहले कार्टून निकला था, जिसके वजह से फ्रांस में एक बहुत ज्यादा हैवक क्रिएट हो गया था, जिसको सॉल्व करने में इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच का यूज किया, और जिससे फ्रांस की जो नेगेटिव इमेज बन रही थी ऑल ओवर वर्ल्ड में उसे हमने सही किया था। और हमारा जो डिफेंस बाइंग कैपेसिटी है फ्रांस के साथ वो ऑलरेडी आप सबको पता है बहुत ही अच्छे लेवल पे है। तो फ्रांस जो कि इंडिया के नैरेटिव्स को प्रमोट करता है, इंडिया की डिप्लोमेसी को, इंडियन ओशियन को प्रमोट करता है, उसके साथ हमारे स्पेस रिसर्च में भी हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया हुआ है, और जब भी हमें जरूरत पड़ता है तो एक सच्चे दोस्त की तरह सामने आता है। तो फ्रांस एंड रशिया इंडिया के ओल्ड एलाइज हैं जो हमेशा हमारा साथ देते आ रहे हैं। तो आप सबका फ्रांस और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में क्या करना है, बिकॉज इमैनुअल मैक्रोन भी आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट इंडिया में। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग, कीप स्ट्रिविंग फॉर नॉलेज एज यू वॉन्ट।